नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। बता दें आपको कि महागठबंधन की ओर से आज मुंगेर में चिकित्सा अस्पताल का शिलान्यास किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, ललन सिंह पहुंचे। गौरतलब है कि ललन सिंह मुंगेर से ही सांसद है। अब बता दें आपको कि मुंगेर में बन रहे चिकित्सा अस्पताल को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि भारत सरकार के पैसे से ये अस्पताल का शिलान्यास हुआ है, ये अस्पताल जो बनने जा रहा है उसमें भारत सरकार का पैसा है। अब इस पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह डाला कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और महागठबंधन का पैसा इसमें लगा हुआ है। महागठबंधन और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह कॉलेज बनवा रहा है। इसी के साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मुंगेर में बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां मेडिकल कॉलेज, इसके बगल में वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय की स्थापना, अब मुंगेर के सर्वांगीण विकास में, बुकेर के सर्वांगीण विकास में लगातार विकास की ओर मुंगेर को बढ़ने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से, और आप मुंगेर वासियों की तरफ से भी हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ हम यह इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल के निर्माण की भी स्वीकृति दी आज के दिन। और एक बात जान लीजिए, एक बात आप मुंगेर वासियों को बता देते हैं, बहुत लोगों को कल हम मुंगेर आए तो जब हम कल मुंगेर आए तो देखे कि बहुत से लोग प्रवचन दे रहे हैं कि मुंगेर का मेडिकल कॉलेज जो है केंद्र की सरकार के पैसा से बन रहा है। अरे भाई, कुछ ज्ञान का वर्धन कीजिए। मुंगेर में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है उसमें 54 भी भारत सरकार का नहीं लगा है, 4 आना पैसा नहीं लगा है। राज्य सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने अपने संसाधन के बल पर, अपने बलबूते पर यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाने का काम किया है। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा ज्ञान वर्धन करना चाहिए। हालांकि आए थे 29 जून को भारत सरकार के एक बहुत भारी मंत्री आए थे, और बहुत भारी मंत्री आए थे लखीसराय में, और वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया, नल का जल बनवाया कि नहीं बनवाया, बिहार में ताली बजाओ भाई, ताली भी तो नहीं बजा रहे हो। अरे ऐसा मांग करके ताली बजवाने वाला केंद्र की सरकार का हम मंत्री देखे नहीं, और बहुत भारी भरकम है। लेकिन खैर, उस सब बात को छोड़िए, आज कोई राजनीति की बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कल हम आए, और हम आए तो हमने देखा कि अखबार में कुछ लोग बयान दिए हैं कि केंद्र की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, इसलिए हमने साफ कर दिया कि 54 भी 4 आना भी उनका नहीं लगा है। ये साफ साफ है, राज्य सरकार का और राज्य सरकार के संसाधनों के बल पर बन रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का मुंगेर की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज मुंगेर के जो लोगों की मांग थी उसको आज उन्होंने पूरा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।